धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के नाम से फर्जी कॉल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जाता है आरोपी फेक कॉल एप्लीकेशन ऐप द्वारा कर्मचारी को छल पूर्वक प्रत्यर्पण प्रशासन का उच्च अधिकारी होने व राजनैतिक अधिकारी होने का बताकर संबंधित विभागों से अपना काम करवाता था। 30 सितंबर 2019 को सागौर थाना के उप निरीक्षक प्रतीक शर्मा के प्राइवेट मोबाइल पर पुलिस अधीक्षक जिला धार के शासकीय मोबाइल नंबर से कॉल आने पर थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा ने जब कॉल अटेंड किया कि राजपाल जी है जो सागौर के हैं, उनका कोई भी काम है तत्काल करवा देना, जिस पर थाना प्रभारी को संदेह हुआ कि कॉल पर पुलिस अधीक्षक की आवाज नहीं लग रही है, आवाज में काफी भिन्नता है, जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा अगले दिन 1 अगस्त 2019 को राजपाल सिंह द्वारा प्राइवेट मोबाइल से थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा से संपर्क किया गया तथा अपना परिचय देते हुए बताया कि मेरे चाचा दिलीप सिंह पवार के 12 बोर की बंदूक खराब होने के कारण शस्त्र विक्रय करने हेतु फाइल लगाई गई है, देख लेना। थाना प्रभारी द्वारा थाने पर तस्दीक करने पर 2 अक्टूबर 2019 को दिलीप सिंह निवासी पुलिया का आवेदन थाने पर जांच हेतु अहमद हुआ। संदेह होने पर थाना प्रभारी द्वारा आवेदन अपने कब्जे में लेकर रखा गया था कि उक्त राजपाल नामक व्यक्ति पुनः अधीक्षक महोदय के शासकीय नंबर से फोन लगाएगा जिसकी रिकॉर्डिंग की जा सके, जिसके उपरांत दिनांक 4 अक्टूबर 2019 को पुनः पुलिस अधीक्षक महोदय के शासकीय मोबाइल नंबर से थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर पर फोन आया। उक्त आरोपी द्वारा फोन लगाया गया कि राजपाल सिंह का क्या हुआ है, जो भी हो उनका काम कर देना। थाना प्रभारी द्वारा पूरे कॉल की रिकॉर्डिंग को बार बार सुनने के बाद जांच कराई गई तो पता चला कि फेक कॉल एप्लीकेशन के माध्यम से कॉल किया गया है। पूरी घटना पुलिस अधीक्षक को बताने के बाद मामला जांच में लिया गया। थाना सागौर द्वारा राजपाल पवार उम्र 22 वर्ष निवासी पिपलिया के विरुद्ध अपराध कायम कर लिया गया। पुलिस की विवेचना के दौरान थाना प्रभारी सेक्टर 1 पीतमपुर चंद्र भान सिंह चड़ार थाना प्रभारी और उनकी टीम ने मिलकर आरोपी को उसके घर के पास से पकड़ा। आरोपी के मोबाइल को लॉक ऑन करने पर मोबाइल में फेक कॉल एप्लीकेशन द्वारा इंस्टॉल पाया गया। राजपाल द्वारा बताया गया, मैं अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, कंपनी में हम टेंडर के माध्यम से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और कई बार शासकीय कार्यालय में फाइल पास करवाने में दिक्कत आती थी व स्कूल कॉलेज व सामाजिक स्तर पर भी आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए मैं शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को फेंकाल करके बड़े अधिकारी और राजनेता अधिकारी के नंबर का दुरुपयोग कर कॉल करता था व काम निकालता था। आरोपी इंजीनियर है, पुलिस गिरफ्त में है, पुलिस द्वारा और भी पूछताछ की जा रही है। धार से हरीश आर्य की रिपोर्ट। लगाते थे अधिकारियों के नाम से, कैसे आया ये ख्याल आपको? सर वो एप्स, बहुत सारे एप्स देखे थे सर, फिर फेक कॉल में तो सर वो यादला एप्स अच्छा लगा तो इससे मैंने ट्राई करा सर। क्यों लगाते थे, क्या मिलता था इससे? सर कुछ भी नहीं मिलता था सर, काम होते भी थे नहीं भी होते थे। कितने लोगों को अभी तक लगा चुका? 12-13 लोग को लगाया सर। कब से कर रहे हो? सर हो गए 5-6 महीने। कहाँ पर रहता हूँ? पिपलिया। अच्छा, कौन कौन सा अधिकारी और नेताओं का नाम यूज़ करें? एसपी साहब का और रमेश दादा का, बस जा और इनका ही। कैसे कहाँ तक पढ़ा हो आप? इंजीनियरिंग चल रही है। करियर नाम से लोगों को पर्ची पाल करके काम करवाने की बात करने वाला है सागौर पुलिस के पास एक मामला आया है, जिसमें एक लड़का है राजपाल सिंह, उम्र 22 वर्ष, पिपलिया गांव थाना सागौर का ही रहने वाला है। इस लड़के की एक्चुअली ये लड़का क्या करता था कि फेक ऐप इसने एक डाउनलोड कर रखी थी जिससे फेक कॉल करता था और वरिष्ठ अधिकारियों से के नाम से या कई राजनेताओं के नाम से फ़ोन लगाता था और फ़ोन लगा के अपने काम और दूसरे लोगों के काम निकलवाता था। इसके द्वारा कई ऑफिसर्स कई लोगों को फ़ोन करके जो है अलग अलग काम अलग अलग समय पर करवाए गए। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें जो गिरफ्तार कर लिया या ये लड़का अभी 3rd ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ये अपने फादर के साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ठेकेदारी का काम करता है और अभी इससे पूछताछ जारी है और संभवतः और भी इसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका भी खुलासा होगा। सर प्रथम दृष्टया कितने लोगों को उस टाइम से फोन किए? देखिए
छोटे मोटे काम तो ये लगातार लोगों से कहता रहता था, परंतु जैसे कई नगर पालिका के काम, कई आरआई पटवारी से, सीएमओ को और अन्य भी अधिक बड़े अधिकारी जैसे कलेक्टर एसपी सभी से ये बातचीत करता रहता था। और अभी करीब पिछले एक वर्ष से लगातार ही इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है। क्या कर रहे थे? इसके 420, 419, 468 का मुकदमा कायम किया गया है और गिरफ्तार करके पुलिस आगे विवेचना कर रही है।